नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जे वीडियोस में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि पांचों पांडव राजमाता कुंती के साथ प्रवेश कर चुके हैं हस्तिनापुर के राज्य में और उनका आगमन भी किया जा रहा है बहुत ही सेलिब्रेशन के साथ। अब वहां पर जब बहू का आगमन किया जा रहा था तो अर्जुन को कहा गया कि आप आइए और आशीर्वाद लीजिए, तो वहां पर वज्रपात हुआ पूरे पूरे परिवार पे कि हम पांचों ने द्रौपदी से विवाह कर रखा है तो हम पांचों आगमन करेंगे। अब देखना यह है कि पूरे परिवार का इसके पीछे प्रतिक्रिया क्या होती है। हम परिवार की प्रतिक्रिया देखेंगे, आप हमारी प्रतिक्रिया देखिएगा। तो शुरू करते हैं एपिसोड 114 पार्ट वन। तुम पांचों भाइयों ने विवाह कर लिया पुत्र? हम पांचों भाइयों ने द्रौपदी के साथ विवाह किया। नामा शकुनी के बटोते उड़ गए ये सुन के सब। हाँ, अभी की बात पहली बार किसी ने सुना होगा। एक स्त्री के पांच पांच पति। अर्जुन को बहुत क्रोध आ रहा है, सबको क्रोध आ रहा है। हस्तिनापुर और उसका धर्म। मौका मिल आधान 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 पितामह बोलेंगे तो दामन को अभी तक पता भी नहीं है और ये कुछ ना कुछ डिसीजन ले लेंगे मुझे ऐसा लग रहा है। अगर तो है सामान्य स्तर पे तो अधर नहीं और सामान्य चीजें भी इनको पता नहीं। मैं धर्म के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था और तुम पांचों भाई ये अधर्म करके आए हो युधिष्ठिर। जो सिंहासन कुंभलाए हुए फूल के रखने मात्र से मैला हो जाता है उस पवित्र स्थान पर तुम ये पाप का फल ये कीचड़ रखने की आशा से आए हो। भी बोलो पितामह चले गए। नहीं देख रहे सब कहा गए। नॉर्मल सिनेरियो नहीं ऐसे एक्शन को आने नई सामान्य परिस्थिति है तो ना सामान्य परिस्थिति है। समय लगेगा जब सारी चीजें सब समझाएंगे होंगी। आओ मेरे बच्चे को आओ।
आदमी ना सही में अगर किसी घर में होता ना तो गला बचवा देता यार नहीं। तो केला खेल आया चले हाँ मेरे को स्थान बनाने की जरूरत नहीं है। देवी द्रौपदी ये तब से भाई इनकी हंसी नहीं रुक रही। युधिष्ठिर के अधिकार का नाश हो गया मेरे बच्चे। देखो इस तुला को, इसके एक पलड़े में पांडवों का धर्म है। उनके सारे अच्छे कार्य हमने भीम को विष देने का प्रयास किया और उन्होंने हमें क्षमा कर दिया। तुमने पांचाल के युद्ध में प्रथम प्रयत्न मांगा और उन्होंने तुम्हें दे दिया। हमने वारणावत में उन्हें जलाने का प्रयास किया और उन्होंने फिर हमें क्षमा कर दिया। अच्छा ये पुण्य कर्म है। पद पद पर उन्होंने धर्म का वहन किया, उत्तम चरित्र का प्रदर्शन किया, किंतु किंतु आज उनके एक दुष्कृत्य ने उनके सारे अच्छे कार्यों पर पानी फेर दिया है मामा श्री। आवाज लगे तो सुन लगी ना। अंगराज कर्ण कहाँ फंस गए? बिल्कुल इसी तरह। मामा श्री थोड़ा प्रैक्टिकल रखते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वर हमारे साथ है। बाकी चीज सारे भाइयों को मैं मतलब ही यथार्थ कह रहे हो मित्र। दिखाया अधर्म से भरे इस जगत में कदाचित ईश्वर और मनुष्य दोनों को अधिक और कम अधर्म के बीच चुनाव करना पड़ता है। पकड़ा। अब आप समझे आपको मेरे कार्य अधर्म लग रहे थे पर अब इस पलड़े में अधिक अधर्म है देखिए। मुझे तो प्रथम से ही अविश्वास था इन पर। इतना अच्छा होने का दिखावा करते हैं तो अवश्य इनके भीतर कोई बहुत बड़ा पाप पल रहा होगा। मामा श्री अब हमें क्या करना है? क्या करना है तो? अब हमें क्या जो करेंगे पितामह करेंगे। हमें इंतजार करना है। हमें विश्राम करना है। सब हो गया। जो कुछ करेगा अब वो बूढ़ा गैरव करेगा। मेरे बच्चों समुद्र में उठने वाली लहर जब तट की रेत से मैली होती है तो स्वयं समुद्र ही उसे निगल लेता है। अब बीच में ही तुम्हें युधिष्ठिर के स्थान पर राजा घोषित करेगा महाराज दुर्योधन। जयकारा लगाने वाले हैं। जयकारा लगाने वाले हैं। राजा वाली फीलिंग ले ले। टुट्टी उठा के Thank you.
निपटा चुके। पांडु पुत्रों को ऐसा निर्णय लेना पड़ा उसके पीछे कई कारण है। भाभी ने अनजाने में ही द्रौपदी का वाग्दान कर दिया पांचों भाइयों को। अब यदि द्रौपदी एक भाई से विवाह करती अन्य चारों भाइयों को संन्यास लेना पड़ता था। वह कांपिल्य में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई कि उन्हें अधर्म स्वीकार करना पड़ा, ऐसा अनाचार स्वीकार करना पड़ा। ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न हो सकती है विदुर कि अधर्म और अनाचार उचित हो जाए? कैसे विदुर, कैसे? जब तक मनुष्य के पास संन्यास लेने का मार्ग हो वो अधर्म और अनाचार का मार्ग क्यों ले? यदि युधिष्ठिर संन्यास लेता तो हमें हस्तिनापुर के सिंहासन पर दुर्योधन का राज तिलक करना ही पड़ता। क्या भेद रहा विदुर, दुर्योधन राजा बने या युधिष्ठिर? तेरे हस्तिनापुर का तो पतन होगा ही, धर्म का नाश तो होगा ही। पुत्र विदुर, मैंने वर्षों तक इस सिंहासन की रक्षा की है, संघर्ष किया है निरंतर ताकि हस्तिनापुर में धर्म का शासन बना रहे। इतनी चुनौतियों के सामने भी कभी धैर्य नहीं छोड़ा, क्योंकि हृदय में एक आशा थी कि एक दिन ईश्वर अवश्य सहायता करेगा। सबसे ज्यादा राज्य में पांडवों के आगमन से अगर कोई आहत है तो वो भीष्म पितामह है। कारण खुश भी हुए थे, कारण ये है कि वो उन्होंने धर्म की रक्षा हेतु हस्तिनापुर में सिंहासन पर धर्म विराजमान रहे इसके लिए उन्होंने अपना जीवन संपूर्ण न्यौछावर कर दिया है। कभी ना अपने शादी के बारे में सोचा, ना अपने पुत्रियों के बारे में सोचा, पुत्रों के बारे में सोचा कि मेरी कोई संतान उत्पत्ति हो या मैं अपना वंश बढ़ाऊं, ऐसा उनकी कोई मंशा नहीं। उन्होंने अपने वचन के आगे सब कुछ त्याग दिया, तो उनकी जरूर ये एक्सपेक्टेशन होगी अंदर से कि अगर मैं गंगा पुत्र भीष्म प्रतिज्ञा लेकर के इस सिंहासन की मर्यादा को बरकरार रख सकता हूं तो युधिष्ठिर या युधिष्ठिर समेत अन्य चार भाई ऐसा क्यों नहीं कर सकते थे? तो बात क्या होगी ये तो मुझे नहीं मालूम आगे चल के अगले एपिसोड में क्या होगी, लेकिन एक चीज मैं जरूर कह सकता था कि सिंहासन के प्रति समर्पण और सिंहासन के प्रति उत्तरदायित्व में फर्क है। समर्पण, यू कैन बी लॉयल, आप किसी के प्रति ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन संपूर्ण निष्ठा से किसी कार्य को करना और उस कार्य के प्रति ईमानदारी दिखाना, इन दोनों चीजों में फर्क है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि भीष्म जी ने स्वयं सिंहासन पे विराजमान रहने की प्रतिज्ञा ली होती कि मैं विराजमान होऊंगा एक कुछ समय बाद, या जब कभी ऐसा सिनेरियो आएगा तब मैं विराजमान होऊंगा, तब मैं सिंहासन संभालूंगा, जब कोई उत्तराधिकारी नहीं बचेगा या जब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचेगा जो इस राज्य को संभालने के काबिल हो, तब मैं सिंहासन संभालूंगा, तब मैं कार्यकारी राजा बनूंगा। अगर ऐसी भीष्म ने कभी प्रतिज्ञा ली होती तो कहीं ना कहीं उनको समझ में आता कि कार्य करने में और कार्य जो हो रहा है उसके प्रति समर्पण दिखाने में क्या भेद होता है। खैर, भीष्म ने जो किया वो अतुलनीय था और आगे जो पांडव करेंगे वो भी अतुलनीय रहेगा। अभी देखिए विदुर समझाने के प्रयत्न कर रहे हैं कि उन्होंने ये जो कुछ भी किया वो धर्ममयी है, लेकिन उसके आपत धर्म है, धर्ममयी है, कोई और करेगा तो अधर्म है, ये लोगों ने किया तो धर्म है। अब वो धर्म का ज्ञान समझाने वाले दो भगवान थे वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। विदुर कैसे समझा पाते हैं इस चीज को देखने के लिए चलते हैं हम जल्द ही अगले एपिसोड में। फिलहाल इस एपिसोड से हम विदा लेंगे। राधे राधे।